रिपोर्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। पटना गया रेलखंड के तारिकना और नदौल स्टेशन के बीच शुक्रवार को जमालपुर रेल गुमटी से दक्षिण ट्रेन से कट करके 13 वर्षीय एक किशोरी पिंकी कुमारी की मौत हो गई। जी हां, मौके पर मौजूद उसकी छोटी बहन पूनम कुमारी जख्मी हो गई। उसे मसौढ़ी के प्राथमिक उपचार के बाद चिंताजनक हालत में PMCH रेफर किया गया। दोनों नदौल गोलापर गांव निवासी राज बलम यादव की बेटियां हैं। घटना जो है वो काफी ज्यादा मार्मिक है। जी हाँ, बताया जाता है कि राजबलम यादव नदौल स्थित ससुराल में बस गया है। दोनों बहनें पिंकी और पूनम पिता के लिए खाना लेकर के जा रही थी, जब पिता नदौल पंचायत के जमालपुर गांव स्थित पट्टे पर लिए खेती में काम कर रहा था। खेत पर जाने के लिए जब दोनों बहनें रेलवे लाइन पार करने के लिए ऊपर चढ़ी तो रेल पटरी से गुजर रही थी कि गया की ओर से पटना जा रही थी। भभुआ पटना पलामू एक्सप्रेस 03347 डाउन ट्रेन आ गई, जिससे बचने के लिए दोनों बहनें अपलाइन की ओर भागी। इसी बीच पटना की ओर से गया की तरफ जा रही मालगाड़ी अपलाइन पर पहुंच गई। एक साथ दो गाड़ियां आते देख दोनों बहनें घबरा गई और ट्रेन की चपेट में आ गई। ट्रेन से कट करके पिंकी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं छोटी बहन जख्मी हो गई है। परिजनों ने पिंकी का शव उठा करके दाह संस्कार के लिए लेते चले गए। बेटी का शव देख करके माँ जो है वो काफी ज्यादा रोने लगी। निश्चित रूप से बेटी को देख करके इस हालत में सामने उसकी डेड बॉडी रखी हुई तो रोएगी ही। गम इस बात का था कि दूसरी बेटी भी जीवन मौत से जूझ रही है। भिलकते हुए माँ पिता ने कहा कि हम जानते हैं कि हमारा खाना मेरी बेटियों के लिए जान का दुश्मन बन जाएगा, तो भूखे रह जाते मगर खाना कभी नहीं मांगते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व DGP के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव YouTube चैनल पर।